सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड थी बहुत ज़्यादा सुमन ऑटो की, तो मैं आ गया हूँ सुमन ऑटो पे आज फिर से। बेसिकली मैं बहुत जल्दी आया हूँ, मैं इतना जल्दी नहीं आता, लेकिन आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सुमन ऑटो जाओ, सुमन ऑटो जाओ, मेरा हर कमेंट पर आ रही थी, इंस्टाग्राम पर भी आ रही थी। तो इसलिए मैं आ गया हूँ सुमन ऑटो पे अमित दा के पास फिर से। तो आज मैं आप लोग को बेसिकली जो पुरानी जो मतलब बाइक मैं आप लोगों को दिखाया था, उसमें से काफ़ी बाइक सोल्ड हो चुकी है, मतलब मतलब वो डील हो चुकी है बाइक की, और कुछ कुछ बाइक बचा हुआ और कुछ कुछ नया भी आया, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। और पुराना वाला बाइक का वीडियो देखना तो इसी वीडियो पे मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वीडियो का कहीं पे भी दे दूंगा, तो स्किप मत करना, आप लोग आई बटन पे जाके देख लेना। तो आज आप लोग को मैं स्पोर्ट्स के लिए मैं बेसिकली आया हूँ, स्पोर्ट्स बाइक कवर करने के लिए, स्पोर्ट्स तो दिखाऊंगा ही। तो मैं आप लोग को 3 HR डोमिनर दिखा दूंगा, एक सिविजेट दिखा दूंगा, बाकी वर्जन 3 तो हमेशा अमित हम लोग को दिखाते रहते हैं, वर्जन 3 भी दिखाई दूंगा, और KTM भी दिखा दूंगा, RC दिखा दूंगा, 125 RC, 200 RC और 390 शायद होगी मेरे, मैं वो भी दिखा दूंगा होगी। तो ज़्यादा आप लोग टाइम वेस्ट ना करते, चलते हैं अमिता के पास और दिल को करते शुरू। Get out my section, don't bother with lames, I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you're 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All of this talk, but don't run a mouth, I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving, all I really need to know, is when we leaving, all I really wanna know, when we leaving. Friends, जैसा कि मैंने बोला, मैं आ गया अमित दा के पास। तो अमित दा, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। तो वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा था इस बार भी? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। और मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा वीडियो पे, अवेलेबल फाइनेंस है कि नहीं, और नेगोशिएबल कहाँ तक हो जाएगा, कैसे क्या रहेगा, लोकेशन सब कुछ बताऊंगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू देखते रहना। वीडियो में सब कुछ डालने के बाद भी आप लोग आगे मुझे कमेंट करते हो लोकेशन क्या है, तो सब कुछ मैं बता दूंगा। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि अगर जो व्यूअर्स मेरे दूर से आते हैं ना, वो एक बार अमित दा को पहले कॉल कर ले, उसका बाद यहाँ पाए, आपको लोकेशन भेज देता हूँ, क्योंकि ये शोरूम तो बेसिकली जल्दी मतलब बंद तो क्लोज देखो है नहीं, और मतलब हमेशा ओपन रहता है, कभी कभी कुछ काम पड़ता है कि क्लोज करना पड़ता शोरूम को। तो अगर उस दिन आप लोग आ जाते हैं, जैसे कल हुआ था ये चीज़, कल बंद था तो कुछ आ गया था मुझे पता चला, तो दिक्कत हो जाता है ना, तो आप लोग कॉल करके आओ, ठीक है। और लोकेशन रहेगा आसनसोल SP गोराई रोड, संत मेरे स्कूल के जस्ट अपोजिट, ठीक है, लोकेशन ये रहेगा। तो बाइक हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें अमित दा? KTM से करते हैं, KTM R15 से करते हैं। हम लोग शुरू करें, सबसे पहले KTM कौन से क्या रहने वाला है? ये 2020 का लास्ट का है, आपका 125 है, और किलोमीटर बहुत कम चला हुआ है, 7 से 8 हज़ार गाड़ी चला हुआ है, और ये गाड़ी आपको दे देंगे सिर्फ हम 1,28,000 में, मात्र 1,28,000 में। और ये डुअल चैनल ABS है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2025 तक इंश्योरेंस अपडेट है इसका। और टायर कंडीशन बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी टायर हम लोग को मिल जाती है, अनयूज्ड गाड़ी है, और पीछे का टायर भी बहुत अच्छी मिल जाती है, बाकी गाड़ी थोड़ा गंदा, वो आप लोग वाश वाश होकर मिलेगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो आप लोग 1,28,000 में आ रही है। इसके बाद फिर से आता है ये R15 वर्जन 3, आपका नॉन ABS गाड़ी है, और ये गाड़ी आपका 2019 की है, और प्राइस भी आपको अच्छा रेट में देंगे सिर्फ 1,01,000 में, 1,01,000 में 2019 की R15 वर्जन 3। इसके बाद फिर से आती है KTM, ये RC 200 है, ये आपका 2016 की गाड़ी है, 98 तक आ जाएगी, 16 की RC 90, इस बार अच्छा ऑफर 95 तक दे देंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और बोल देता हूँ, आज मेरा एक व्यूअर्स आया था, वो बोल रहे थे भैया थोड़ा सा नेगोशिएबल करवा दो, लेकिन अगर ये 98 था, 95 हो गया, तो इसमें और कुछ नेगोशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगोशिएबल हो गया है। तो अगला वीडियो पे ज़्यादा था, इस वीडियो पे थोड़ा कम हो गया, आपका ब्लॉग में जो कभी गाड़ी का रेट बोलते हैं ऑलरेडी मैं कम ही बोलता हूँ। हाँ, RC 200 17 की गाड़ी है, 1,15,000 तक आ जाएगा, 2017 का एक टायर कंडीशन की बात कर लो, देख सकते हो अच्छी कंडीशन, ब्रांड न्यू टायर मिलने वाली है, पीछे के टायर भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आते फिर से वर्जन 3, ये वर्जन 3 2020 की है, और ये आपको हम दे देंगे सिर्फ 1,14,000 में, ABS वर्जन, फर्स्ट ओनर, 9,000 किलोमीटर चला हुआ, 2020 की 1,14,000 में आ रही है, टायर कंडीशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है, वर्जन 3 रेड एंड मैट ब्लैक के साथ आप लोग देख सकते हो। इसके बाद फिर से आते हैं वर्जन 3, 2019 की है, ये 1,10,000 तक आ जाएगा, सेम गाड़ी है, सेम कलर है, ABS वर्जन है, सेम गाड़ी है, सेम कलर है, सब कुछ सेम है, और ईयर कम है इसका, एक साल नीचा गाड़ी है, ये आपका 2019 की गाड़ी है, 2019 का है, 2020 का गाड़ी है, तो ये कितना में आ जाएगा? 1,10,000 तक आ जाएगा, 1,10,000 तक आ जाएगा। इसका क्या बोले थे? 1,14,000, 1,14,000, 1,10,000, ठीक है। टायर कंडीशन देख सकते हो। इसके बाद आते हैं NS, कौन सा ये NS? हाँ, NS 125 है, और ये गाड़ी आपका 2021 की है, ठीक है, और ये गाड़ी आपको दे देंगे सिर्फ 88 में, 2021 की गाड़ी है, 88,000 में आ रही है, आप लोग देख सकते हो।
नीट एंड क्लीन गाड़ी रहने वाली है बिल्कुल, मतलब साफ सुथरी गाड़ी आप लोग बोल सकते हो, कोई गाड़ी पे काम नहीं है कि भी स्क्रैच भी नहीं है गाड़ी में। ये 220 2014 की लास्ट की या 15 की फास्ट की गाड़ी होगी, जो गाड़ी आपको हम दे देंगे सिर्फ 43 में। ये 2021 की गाड़ी 220 जो 92 तक आएगा, 92 तक आ जाएगा। न्यू लुक है, न्यू गाड़ी है एकदम, गाड़ी भी बिल्कुल हाँ 2021 की गाड़ी है, कम चला हुआ गाड़ी, 4-4 हज़ार चला हुआ खाली, मात्र 4 से 4.5 हज़ार मतलब 5 हज़ार के अंदर गाड़ी चला हुआ है। गाड़ी आपका 92 तक आ जाएगा। ये टायर देख के पता चल रहा है गाड़ी बहुत कम चला, आप लोग देख सकते हो। ये 2016 की है जो सिर्फ 48 तक आ जाएगा, 16 की 220 48 तक आ जाएगा। तो साल के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी कम में ही आ रही है, 48,000 में 220 जैसी गाड़ी मिल रही है, आप लोग देख ही सकते हो। सुमन ऑटो पे हमेशा कम में हम लोग को कम प्राइस में गाड़ी मिलती है हमेशा। ये जिक्सर SF है जो 2018 की गाड़ी है ABS वर्सन के साथ, और ये गाड़ी आपको हम दे देंगे सिर्फ 46 तक दे देंगे। 46 इसको बताते हैं एवेंजर ये 40 तक आ जाएगा, 16 की गाड़ी, वो 17 की गाड़ी है, वो भी 40 तक आ जाएगा, 40 तक आ जाएगा। 17 की गाड़ी है, 16 की गाड़ी है, दोनों 40 में आ रही है। हीरो होंडा हंक है, ये हंक आपको दे देंगे सिर्फ 26,000 में। हीरो होंडा हंक है सिर्फ 2013 की गाड़ी है, 26,000 में आ रही है। अब हम लोग कुछ डोमिनेट दिखा देते हैं ना। हाँ तो ये सब जो बाइक है आप लोग देख सकते हैं, सारा मैंने कवर किया हुआ, आप लोग नहीं देखना तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी मैं सुमन ऑटो का ही लिंक वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो सारी गाड़ी आप लोग को दिख जाएगी। आप लोग सिर्फ वीडियो को वेट करो और लास्ट तक देखो। इसके बाद आते हैं डोमिनेट पे। 18 की गाड़ी है, 18 या 19 की फर्स्ट की गाड़ी होगी जो कि ABS मॉडल के साथ है, और ये गाड़ी आपको सिर्फ 1,05,000 सिर्फ 1,05,000 में डोमिनेट जैसे गाड़ी मिल रही है, देख सकते हो। 2018 या 19 की गाड़ी है, 18 की एंड की या 19 की गाड़ी होगी। टायर कंडीशन की बात करें तो अच्छी खासी टायर हम लोग को मिल जा रही है, पीछे के टायर भी अच्छी खासी हम लोग को मिल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। कितने सीसी का है? 400 है ना, 400 सीसी गाड़ी। एक पास चार डोमिनर है जो कि चार ही 400 है। एक तो यूजी मॉडल भी आया हुआ है, यूजी मॉडल आया हुआ है ना, यूजी मॉडल भी आया हुआ है। एवेंजर 160, एवेंजर दिखा देता हूं। ये एवेंजर 160 है जो कि 2020 का लास्ट का गाड़ी है। गाड़ी कंडीशन तो नो डाउट बहुत बढ़िया है, और गाड़ी आपको हम दे देंगे सिर्फ 66 से दे देंगे। 66 में आ रही है। टायर कंडीशन की मतलब कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बेहतरीन टायर है, एकदम न्यू गाड़ी है। और ये सब गाड़ी मैं बार बार बता रहा हूँ, सारा कवर किया हुआ, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना, उसके लिए कोई इश्यूज नहीं रहेगी। इसके बाद आते हैं ये सुजुकी इंट्रूडर है, 2019 की गाड़ी है। गाड़ी का लुक हिसाब से गाड़ी का प्राइस भी आपको अच्छा में देंगे। हाँ गाड़ी आपको हम दे देंगे सिर्फ ये 58 में, मात्र 58,000 में आ रही है। AR नंबर आसनसोल नंबर के साथ, कितने साल की गाड़ी है? 2019 की गाड़ी है, 2019 की गाड़ी है, ABS के साथ आ रही है, आप लोग देख सकते हो। इतना आपको भाई साहब कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, चैलेंजिंग प्राइस है, सही बात है। सो फ्रेंड्स जो जो अभी अभी गाड़ी आया हुआ मैं वही सब आपको दिखाता हूँ, बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, और ये सब अभी न्यू आए तो ये सब मैं दिखा देता हूँ। इसका क्या है? ये एक्सप्लेंड 2019 की गाड़ी है, और ये नॉन ABS आता है, शायद नॉन ABS है। ये गाड़ी का प्राइस क्या आ जाएगा? ये गाड़ी का प्राइस आ जाएगा आपका 72 में आ जाएगा, लोग देख सकते हो। 2019 की गाड़ी है, 2019 की गाड़ी है, ब्रांड न्यू टायर के साथ आ रही है, पीछे के टायर के भी बहुत सेम लोग मिलने वाली है, कलर भी तो काफ़ी खूबसूरत मिलने वाले कलर है। हाँ इसके बाद हम लोग Apache RTR 180 है डबल डिस्क के साथ, 2017 की गाड़ी है, और ये गाड़ी आपको दे देंगे सिर्फ 62 तक। 62,000 में 2017 की Apache RTR 180 आ रही है। टायर भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, गाड़ी काफ़ी मीड कंडीशन में रहने वाली है, नीड एंड क्लीन कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं गाड़ी को, व्हाइट कलर के साथ आ रहे लोग देख सकते हो। इसके बाद कौन सा है अमित दा? 2020 का डोमिनर है जो कि खाली 11 चला हुआ है, और ये गाड़ी आपको दे देंगे सिर्फ 1,60,000 में, यूजी मॉडल है, सिर्फ 11 से चला हुआ 2020 की गाड़ी, आप देख सकते हो कई मिनट न्यू कंडीशन में गाड़ी रहने वाली है। टायर कंडीशन की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन टायर आप लोगों को यहाँ मिल जाती है, और गाड़ी की बात करें तो ग्रीन एंड ब्लैक में आने वाली है, जो थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा, थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन गाड़ी खाली चला हुआ 11,000 किलोमीटर, मात्र 11,000 किलोमीटर चला हुआ। 2025 तक इंश्योरेंस अपडेट है, और ये यूजी मॉडल है, आप लोग बार बार बोल रहे हैं ये न्यू शेप है, ठीक है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चलते डोमिनोर पे। इसके बाद एक डोमिनोर है और एक सुजुकी जिक्सर है, दोनों ही मैं कवर कर लेता हूँ इसी वीडियो पे। तो अमित दा इसका क्या हो जाएगा डोमिनर का? ये डोमिनर 400 है, 2018 की गाड़ी है, लेकिन किलोमीटर सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, खाली 2,700 मैंने भी जब आया तो सबसे पहले इसका किलोमीटर में देखा, पहले मैं बोल देता हूँ मैं किलोमीटर देखा सबसे पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, फिर मैंने जब अच्छे से देखा तो हाँ किलोमीटर वही था। बाकी अब यूज़ नहीं किया अभी तक, स्टिकर भी कस्टमर रिमूव नहीं किया है, सब जगह स्टिकर अभी तक लगा हुआ है,
एकदम अनयूज्ड गाड़ी है, आप लीजिएगा तो फील आएगा जस्ट न्यू गाड़ी लिया आप। मतलब टायर से भी पता चल जाएगा, देख सकते हो टायर एकदम ब्रांड न्यू टायर है गाड़ी का। तो मीटर में दिखा देता हूं, एकदम ब्रांड न्यू है। 2730 मतलब अगर ज्यादा गाड़ी चलता तो टायर भी चेंज होता है और टायर ज्यादा नया लगता, ठीक है। टायर मतलब रिपोर्ट निकाल सकते हैं, हाँ वही तो। लेकिन गाड़ी एकदम स्टॉक कंडीशन में, स्टॉक कंडीशन रखा हुआ था, कस्टमर ने सेल कर दिया। बहुत फ्यूल कीजिए, चलाइए बस, कुछ नहीं करना है अभी तो। मतलब गाड़ी ज्यादा चला हुआ नहीं तो आराम से। मतलब इसका टैक्स कितने साल गाड़ी बोले? 2018 की गाड़ी है। 18 गाड़ी है तो कितने तक इंश्योरेंस हम लोग को मिल जा रही है इसमें? इसके साथ में साल इंश्योरेंस आपका फेल होगा। फेल होगा ना, मतलब इसका 19 से 5 ईयर इंश्योरेंस आया था। हाँ तो करना होगा इसका, सिर्फ इंश्योरेंस करना होगा। लेकिन फिर भी अगर इंश्योरेंस करते हुए तो भी अगर मिल होता है तो होता तो मिल जाएगा। अगर इंश्योरेंस भी करेंगे तो भी पार्टी मतलब लाभ में ही रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे, क्योंकि गाड़ी काफी कम चला हुआ है। ऐसा गाड़ी मिलता नहीं जल्दी, जहाँ तक शोरूम पे थोड़ा ज़्यादा ही चलावा मिलता है इस सब गाड़ी। इसका ऑन रोड प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, आपको प्राइस दे देंगे इसी में 130,000 में। 130,000 में दे देंगे 2000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, देख सकते हो काफ़ी मिंट कंडीशन में गाड़ी रहने वाली है। इसके बाद आते फिर जिक्सर पे। जिक्सर 2021 की गाड़ी है और यूनिशेप है और दोनों इसका ABS और गाड़ी चला हुआ खाली 7 से 8,000 किलोमीटर और गाड़ी आपको हम दे देंगे सी बी वाला 88,000। सिर्फ 88,000 में 7 से, ये तो ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं है, एक्स नंबर है, 2021 की गाड़ी है ना, मतलब 7 या 8 महीने 6 महीने गाड़ी होगी, 6 महीने या 7 महीने गाड़ी होगी, देख सकते हो गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रहने वाली है। तो अमित जितना डील था मैंने तो सारा दिखा दिया, और फाइनेंस का क्या हो जाएगा? फाइनेंस हो जाएगा, गाड़ी हम लोग आसनसोल कस्टमर के लिए कर देंगे फाइनेंस, और रानीगंज कस्टमर का फाइनेंस हो जाएगा, दुर्गापुर तक हो जाएगा। और नाम ट्रांसफर कितना खर्चा? नाम ट्रांसफर अगर वेस्ट बंगाल का बाहर का मतलब हम लोग आसनसोल का बाहर का कस्टमर रहेगा तो उनके लिए लगेगा मोटामोटी 2500 से 3000 रुपया, और अगर लोकल कस्टमर रहेगा तो उनका 1400 रुपये लगेगा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो सब वीडियो देखना है बुलेट की, इससे पहले स्पोर्ट्स की, तो इस वीडियो का एंड में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोग कुछ भी दिक्कत हो तो अमित दा का नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन पे उसमें आप लोग कॉल करो, आ सकते हो। लोकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमको फोन कीजिए, हम सबको आपको लोकेशन भेज देंगे, सबको लोकेशन, सबको रिप्लाई भी करते हैं मेरे जैसा, जैसे हम सबको इंस्टाग्राम में DM करते हैं, आप लोगों को पता है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर मान लीजिए किसी को स्टेशन से आने में दिक्कत हो तो बाहर जाते हैं तो लड़का भेज देंगे, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग जब भी अमित दा कॉल करके आओ। तो जितना भी डील था मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मिलते किसी नेक्स्ट डील के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।